मारो ये सफल बनाए ले, इतना मेहनत कर लाए हमार समाज सेवी धर्म अगुआ गंगी आयो बने और हमार मानर प्रखंड कर यूथ युवा पीढ़ी जे कि पारा समाज का दिशा दशा दिखाए कर काम करा था हमार पुणे बाबू कर पूरा टीम के और आज जितना ही अपन भाषा संस्कृति के बचाए के आला हमार छोट मार भाई बहन छुआ मन आयो बाबा मन और हमार साथ साथी मन और हमार संगे आवल जितना भी हमार भाई मन के और यहाँ मीडिया प्रभारी मन के सबके जमे जमा जय जोहार जय जोहार जय सिंह बोंगा जय धराम। तो एक हाथ तोरे मने सब सुनला कि हमरे घर इहे लोगों पर खनकर माटी में जन्मल पुणे बाबू इतना अच्छा बात के बता ला है। तो ई बात के आज बताए पड़ा था तो अपन अधिकार के जान लाए अपन विचार के मजबूत कर लाए और अपन हक और अधिकार के जान लाए तभी जाए के बात के आज बताए पड़ा था। तो सेले हम सभी लोगों को एक एक व्यक्ति को जागरूक होना है, जानना है हम आदिवासी का अधिकार क्या है, हमारा समाज का पूंजी क्या है। जब तक इसको नहीं जानेंगे तो हम अपने बच्चे लोगों के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि अगर हम लोग सोचते हैं कि हमें कमाना है, मेरा बाल बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है और अगर समाज से दूर हो जाते हैं तो ये हम लोगों का भूल है। अगर समाज को बचाना है, हमारा पीढ़ी को बचाना है तो समाज के लिए काम करना होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अगर एक दिन में 24 घंटा है तो कम से कम समाज के लिए 24 मिनट टाइम देना होगा और नहीं तो हमारा समाज नहीं बचेगा। और अभी हमारे अधिकारों के बारे में संविधान के बारे में जो जानकारी दे रहे थे, हमारा आज पारा सरकार क्या है इसको हम लोगों को समझना है। जिस तरह से हमारा राज है झारखंड राज, उसी तरह मेरा भी आदिवासी बहुल क्षेत्र, मेरा अपना शासन, अपना प्रजा राजा, हमारा भी एक राज्य है जो ईश्वर अपना अपना राज में अपना कानून राज को चलाने के लिए बनाता है। उसी तरह हमारा भी पूर्वजों ने मेरा पारा व्यवस्था को, पारा सरकार को चलाने के लिए कानून व्यवस्था बनाते थे, जो कि अभी इस बार आप लोगों ने गए भी थे विष्णु सेंद्रा सरहुल में, विष्णु सेंद्रा गए थे अपना गांव घर का कानून बनाने के लिए। इस चीज को हम लोगों को आज जानना है कि हमारा समाज आदिवासी समाज एक अपना राज्य है, उसी का नाम पाढ़ा सरकार है। जिस तरह से संविधान में दिया हुआ जो अधिकार है उस अधिकार के माध्यम से आज विधानसभा में जो हमारा वोट से जीत करके विधानसभा जाते हैं और राज चलाने के लिए कानून बनाते हैं और वोट हमसे लेते हैं, वो वोट मेरा है, वो कानून मेरे लिए बनाना था लेकिन मेरे लिए नहीं बनता है। मेरा कानून इसलिए नहीं बनाता है कि मेरा आदिवासियों का अपना कानून स्वशासन व्यवस्था पढ़ा है, ग्राम सभा है, इसलिए वो लोग हम लोगों को बचाने का लायक कानून वहां नहीं बना पाता है। इसलिए हम लोगों को आज जागने की जरूरत है।
कि जब तक हम लोग नहीं जागेंगे हम लोग इसी तरह पे पीटते रहेंगे, लूटते रहेंगे और छीनते रहेंगे। जिस दिन हमारा धैर्य वो भगवान बिरसा मुंडा बाबा वीर बुद्धू भगत सिंधु कानू चांद भाई रोजन का टाना भगत सिंह की जय कैली जय चंपूदय फूलो झालो, ऐसा अगर हम लोगों ने भी सोच पैदा किया तो हमें किसी सरकार का जरूरत नहीं है। हमारा खुद का सरकार है, आदिवासियों का सरकार, उसी का नाम बाबा सरकार है। तो इसीलिए हम लोगों को सबको अब जागने की जरूरत है। एक एक व्यक्ति को हमारा बाल बच्चे के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर जब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या बोले, हमारा बाल बच्चा के लिए हम लोग कुछ नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारा पूर्वजों ने, हमारा महापुरुषों ने अंग्रेजों के साथ, साहूकारों के साथ, राजाओं के साथ लड़ाई लड़ करके आज ये जल जंगल जमीन को हमारे लिए दिया है। तो इस जल जंगल जमीन को अगर आज हम लोग लुटा देंगे, छिना देंगे, हिरा देंगे तो फिर से कहां से हम लोग लाएंगे? ये जल जंगल जमीन हम लोग कहां खरीद पाएंगे और हम इस जल जंगल जमीन कहां से लाएंगे? पैसा को जरूर लाएंगे, अगर हम लोग विदेश में जाके गरुड़ खरीद कर आएंगे तो भी पैसा मिलता है, लेकिन पैसा से ये हमारा पहाड़ और पर्वत और नदी और नाला कभी जिंदगी में हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए हमारा आदिवासी का सबसे बड़ा पूंजी ये जल जंगल जमीन है। इसलिए इसके लिए हम लोग सबको मिल करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। 24 साल हो गया झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन आज भी मेरा आदिवासी समाज, चाहे वो मुंडा जाति हो या उराव जाति हो, भोखरिया हो संथाल हो, किसी के लिए आज तक एक स्कूल भी नहीं बना पाया जो कि हमारा बच्चा अपना भाषा अपना संस्कृति को बचा पाए। अगर हम इंग्लिश पढ़ लेंगे, गणित पढ़ लेंगे, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन मेरा समाज का बात को कौन सिखाएगा, मेरा धर्म का काम को कौन सिखाएगा और मेरा संस्कृति को कौन सिखाएगा? इसको कभी आज तक कोई नेता मंत्री नहीं सोचे। 15 साल से हमारे यहाँ पे लखनऊ प्रखंड पूरा मंडल विधानसभा का विधायक बन के राज कर रहे हैं और आज शिलान्यास करके लोगों को बरकरार रहे हैं। हम लोग को समझना है 2 महीना बाकी है चुनाव का, अगर 2 महीने के अंदर हम लोग सही डिसीजन ले लिए तो फिर 5 साल हम लोगों को ऊपर लाठी बरसेगा और हमारा 5 साल में जब जंगल जमीन कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग को आप समझना है, कोई भी काम करना है तो एक एक व्यक्ति को समझना है कि आज अगर ये 2 महीना का दरमियान में किसी प्रकार का कोई प्रलोभन हम लोगों को मिलता है तो वो कहां तक सही है और कहां तक सक्सेसफुल होगा, इसको हम लोग को जांच करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और नहीं तो हम लोग कभी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेंगे। लाखों प्रखंड में हमारा 3 साल हुआ लगातार, इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र लगता था, लेकिन आज हमको लगता है हमारा यूथ लड़का लोग का, हमारा कुणे बाबू का जितना भी सहयोगी है और यहाँ पर जितना भी आयो बाबा सबका सहयोग है, ये आज पूरा लाखों प्रखंड में दुनिया के बताए देना कि ये पिछड़ा नहीं है, इसे जबरदस्ती पिछवाए जा रहा, पिछवाए देहा और पिछवा आदमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो ऐसा हमके लगेगा कि समाज के हमारे कर आदमी कभी जिंदगी में कोई भी बढ़िया व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति पैदा होगा समाज का अगुवा करे ले उनके माइंड दिलाए, जो भी समाज के बढ़िया रास्ता में लेने का प्रयास कर रहा है उनके रास्ते के मिलवाए दिलाए, चाहे पैसा दे के, चाहे उनके मरवाए के, चाहे उनके कोनों पे जब घूम रहा है तो रास्ता के मिलवाए दिलाए। इसलिए हमने के रास्ता से मिलाए करके आयो मैंने हमारा पुरखा का जो रास्ता बनाओ है उनके रास्ता से बिरा रखे हमने के मिलाए और वो रास्ता में चले खे और वह रास्ता हमारे के छवा पुतावन के बचाई। वो रास्ता का नाम है हमारे कर पारा, जब तक पारा के नहीं चलावा, जब तक ग्राम सभा का मजबूत नहीं करवा कोई नेता मंत्री नहीं बचा पाए। तोहरे कर आदेश से
ये दिन नेता मंत्री तोहरे कर गांव ढूंढ पाए से दिन तोहरे कर लाइट चली तोहरे कर आदेश से ये दिन तोहरे कर गांव थाना पुलिस जाए से दिन तोहरे कर लाइट चली तोहरे कर आदेश से ये दिन इलाकों पर थककर बालू और पत्थर उठी से दिन तोहरे कर लाइट चली। जब तक ग्राम सभा पार आकर मजबूत नहीं करवा तब तक ये जिंदगी में नहीं करे पारवा कि यहाँ पर जो भी हमरे के सीओ हो पीडीओ हो थाना हो पुलिस हो हमरे की सेवा करने जवान है कहेंगे कि हमरे वोट दे के सरकार चुनला और सरकार बरसों मिल के थाना करने भेजा जाएगा कि आदिवासी के केकरो दिक्कत नहीं होना चाहिए लेकिन आज हमरे के दिक्कत ही दिक्कत है हमरे के सेवा नहीं दे के हमरे को ऊपर लाठी चलाता है ठीक है से कैसे हमरे बचा इसलिए हमने बताए चाहत हमरे समझाए चाहती एक एक गाँव में काम कर पाए हमने विजिट कर एक एक गांव के जगह और हमारे पूर्वज का जो बना शासन व्यवस्था रहे जो बाढ़ सरकार रहे से के मजबूत करना है और वह सरकार हमरे के अपन राज्य में अपन कानून बनाए के जे कानून से प्रशासन भी डरी ऐसा हमरे के व्यवस्था के ठीक करना है तब जाके हमारे बचा और नहीं तो हमारे के कोई नहीं बचा पाता इसलिए हम सबसे आग्रह करब अपील करब हमरे के नाचना देखना अपन भाषा के बोलना काले कि हमरे सबसे ज्यादा हम लोग हिरा गए हैं हम लोग खो गए हैं तो अपना भाषा को भूले इसलिए हम लोग गिरा गए हम लोग अपना धर्म को भूले इसलिए हम लोग गिरा गए हैं और इसीलिए सबसे बड़ा आज आदिवासी समाज गरीब हो गया है धन से गरीब पैसा से गरीब है धन से गरीब है लेकिन आदिवासी समाज फिर से गरीब नहीं है आदिवासी समाज ये कैसा समाज है कि कोई भी व्यक्ति को दान में एक एकड़ जमीन दे दिया है आज तक कोई भी आदर समाज गैर आदिवासी समाज हमारे आदिवासी के लिए एक इंच भी दान नहीं दिया है इसका मतलब सबसे बड़ा खाने वाले हम आदिवासी है हमारा ये मानना है इसलिए हम लोगों को समझना है कि हमारा दुश्मन कौन है हमारा अन्य कौन था जो हम लोग सरना लिखते थे मुंडा लिखते थे अपना अपना सबका अपना धर्म का कौन है लेकिन मेरा आज अन्य कौन को भी हटाया गया और आज खेल खेला जा रहा है सिर्फ सरना कोड का नाम से सरना कोड ये बोल बोल करके आदिवासियों को खेल खेला जा रहा है झारखंड देश अलग हुआ झारखंड राज्य 24 साल हुआ एक चीज आज तक प्राप्त नहीं हुआ सरना कोड तो आदिवासी के लिए क्या दिला पाएगा ये जो राज्य सरकार बनता है इसको हम लोगों को सोचना है इसलिए हमारा अपना सरकार अपना राज्य है जो पांचवी अनुसूची क्षेत्र है वो आदिवासियों का राज है उसका आदिवासी का अपना कानून चलता है लेकिन हम लोग बिड़ा गए हैं हम लोग हेरा गए हैं हम लोग घर घर में लड़ाई लड़के गुतनी गुतनी में लड़ाई करके भाई भाई में उधर इधर दूल्हा छोड़ के हम लोग फिर आ गए हैं ये दिन हम लोग एक हो जाएंगे चाहिए हमारे एक पटिया में बैठे उस दिन साफ का टूटी बोली साफ हमारे का ये आदिवासी के लिए उत्थान कर ले बाल बच्चा का स्कूल खोल ले मेडिकल बना ले हमारे का अखरा के सुनवा ले हमारे का धूप गुड़िया के बना ले जिनेवा से पैसा आवेला यूनाइटेड नेशन से और हमारे झारखंड राज्य में आदिवासी बहुत संख्या के अनुसार 22,000 करोड़ रुपया वेला और उनके गलत तरीके से विधानसभा में सुझाए के ढुकाए के लेकर था से के हमरे के छीन के लाना है तो छीन के हमरे के ग्राम सभा उत्पादक मजबूत करना है और हमारे राज्य में अपन आदिवासी का कानून बनाना है केकरो कानून में नहीं चलना है जब तक हमारा कानून नहीं बनेगा तब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार का कानून चलेगा ये दिन आदिवासी समाज का कानून बने से दिन उनका स्वतः जीरो है या जीरो बड़का बड़का लड्डू लेकिन हमारे ड्राइवर से लेके समझना है हमारे के आप एक एक व्यक्ति के समझदार व्यक्ति बनना है और आने वाला दिन में चुनाव में बचा थे हर गांव में एक्टिव होना है और हर सवाल का जवाब मांगना है कि हमारे 24 साल के दरमियान में सरकार बना थे आज तक क्या हो है बताओ अरे तो धावली और घुंगरू खाए ले तैयार रहा काले कि पहले तो धूलियो खाए कांग्रेस मने भाई गए दांगा कर बसिला कर माउ से अब तो रो भगवान
किसान तोहरे के और हमारे किसान के सोचे गए और काम करे गए और एक एक व्यक्ति के जगना है काल की आय हमारे का संस्कृति हमारे का भाषा के बचाए कर कोई भी काम नहीं कर रहा काले कि अपना भाषा उनको खुद ही मालूम नहीं है इसलिए नहीं बचा पाता है अपना नेक नियम उसको खुद ही मालूम नहीं है इसलिए कानून नहीं बना पाता है तो हम उसके ऊपर कितना भरोसा करेंगे इसको हम लोगों को समझना है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आए हम लोग यहाँ आए कर्म पूर्व संध्या सम्मिलन समारोह यहाँ पे हम लोग मनाए और यहाँ इस सबू के पवन धरती का शोभा बढ़ाए तमाम गांव से आए जितना भी थोड़ा मिली और हमारे जितने भी सापुकेरा के दीवान साहब हमारे धनिया बाबा को और हमारा राजा देवगांव और हमारे वन संचालन कर्ता सुकू बरला और हमारे अगुआ कर्ता जो हमारा समाज सेवी गंगी आयो बतिया आयो और हमारे पूरे बाबू के जितने भी यूथ लड़का है सहयोगी है सबों का नाम नहीं ले रहे हैं किसी को नाराज नहीं होना है बहुत हमारा चाहने वाला है सबों का नाम लेंगे तो राइट हो जाएगा इसीलिए ज्यादा नहीं बोलते हुए सबका नाम नहीं लेते हुए सभी को हम पुनः धन्यवाद और बधाई देंगे कि आज हमारा समाज को बचाने के लिए लाख ऊपर घर में ही वो लड़का आया है और आयो बाबा मन से यह हम उम्मीद करें कि उम्र का साथ देवा और उम्र के आगे बढ़ावा काले की भविष्य झारखंड कर कि भारत देश कर कि जल जंगल जमीन कर बचाए वाला भविष्य उम्र का उदय है यूथ लड़का में और आगे वाला पीढ़ी में इतने कह के जब जमा साहब के फिर से एक बार जय जोहार जय आदिवासी जय सिंह बोंगा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर पुजी जी दादा श्री जागरण राम जी के बहुत सुंदर बचन हमारे घर रामपुर प्रखंड में देवे